आज हम आपको बताएंगे कि 13 महीने के बच्चे के उम्र के हिसाब से विकास कैसे होता है। आप नोटिस करेंगे कि आपके बेबी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली। आपका बेबी इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक्सप्लोरर भी बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अपने मस्त अंदाज में वो चलने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो गिरते पड़ते ही क्यों ना हो। तो आइए डिटेल में जानते हैं इन सब माइलस्टोन्स के बारे में। वैसे तो 13 महीने की बेबी की एवरेज हाइट 72.4 सेंटीमीटर टू 81.5 सेंटीमीटर और एवरेज वेट 8 केजी टू 12.1 केजी होना चाहिए, लेकिन हर बच्चे की ग्रोथ स्टोरी डिफरेंट होती है, तो इसलिए आप परेशान ना हो। अगर इन नंबर के अनुसार कुछ ऊपर नीचे भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शारीरिक विकास कुछ इस प्रकार है। आपका बेबी खुद अपने आप उठकर बैठ सकता है, आपका बेबी चलने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो आपका हाथ पकड़कर हो या फिर किसी फर्नीचर को पकड़ के। आपका बेबी जोर से हंसेगा अगर आप उसको वेव, क्लैप या फिर पीकाबू खिलाएंगे। आपके बेबी की फिंगर्स की ग्रिप कैपेसिटी पहले से अच्छी हो चुकी होगी और वो क्रेयॉन, पेंसिल या कॉइन आराम से पकड़ लेगा। आपका बेबी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है और अब आपका बेबी गुस्सा होने का और हैरान होने का बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन देना सीख चुका है। आपका बेबी आपके छोटे वर्बल कमांड्स को समझने की कोशिश करता है और उन पर अमल करने की भी कोशिश करता है, और इसी के साथ साथ आपका बेबी अब ममा और पापा बोलने की कोशिश करेगा। आपके बेबी को जब भी कुछ भी चाहिए होगा ना, तो वो अपनी फिंगर्स के साथ पॉइंट करके आपको बताएगा। जब भी आपके बेबी को खेलने का मन करेगा तो वो पार्क की तरफ या दूसरे बच्चों की तरफ पॉइंट करेगा। आपके बेबी को अब नो बोलना आ गया होगा और वो हर बात पर ज्यादातर इसे यूज करेगा, चाहे उसे बात का मतलब पता हो या नहीं। आपका बेबी अपने चेहरे के हाव भाव यानी कि जेस्चर्स के साथ आपको बताएगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। इस उम्र में आपका बेबी पहले से बेहतर अपने इमोशंस और दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगता है। अगर आपका बेबी कुछ फील करेगा तो उसे खुल के जाहिर करेगा, जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी, यानी कि जैसे ही आपका बेबी आपसे अलग होगा तो वो इरिटेटेड और क्रैंकी फील करेगा, फिर चाहे वो आप वॉशरूम तक ही क्यों ना जाए। आपके बेबी को अपने चॉइस के साथ अकेले ही खेलना अच्छा लगेगा। जैसे ही आपके बेबी को स्ट्रेस या फिर एंजाइटी होगी तो वो टेंट्रम्स दिखाने लगेगा। आपका बेबी खुल के हंसेगा जब सब हंस रहे होंगे या फिर जब उसको खुशी मिलेगी। कई बार आपका बेबी स्ट्रेंजर्स को देखकर अजीब सा बिहेव करेगा और उनसे छुपने की कोशिश करेगा। आपको अपने बेबी के साथ बहुत ही पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेबी अभी सारी इन्फॉर्मेशन को एब्सॉर्ब करने की और समझने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपके बेबी को समझ नहीं आएगा कि कैसे रिएक्ट करूं। जब भी आपका बेबी टैंट्रम्स दिखाए या फिर सेपरेशन एंजाइटी फील करे तो आप उसको प्यार करें और उसे कडल करें। हो सकता है इस उम्र में आपका बेबी पिकी ईटर फजी ईटर हो, लेकिन आप किसी भी बहाने से उसको भरपूर न्यूट्रिशन दे, 3 फुल मील प्लस 2 स्नैक्स एंड फुल फैट मिल्क दे, क्योंकि इस बढ़ती उम्र में आपके बेबी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। खाने की अलग अलग वैरायटी बनाकर उसमें खूब सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स भी डालें। आप अपने बेबी को लगभग 11 से 14 घंटे की नींद जरूर पूरी करने दें, जिसमें 8 से 9 घंटे रात को और 1 से 2 घंटे दोपहर में नैप मिले। आपका बेबी खेलते हुए बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, इसलिए आप अपने बेबी को खेलने के लिए वैरायटी दें, जैसे कि क्रेयॉन, सॉफ्ट बॉल, पीकाबू या फिर गार्डनिंग एक्टिविटीज। अपनी देखरेख में ही सारी एक्टिविटीज को प्लान करें। अगर आपको ऐसे ही और एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो हमारे माइलो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए ऐसी ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन जो आपकी मदद करे, तो आज ही डाउनलोड करें माइलो ऐप।